ईकेआई एनर्जीज जो कि इंदौर की एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपने ऑडिटर्स को टर्म खत्म होने से पहले सेक्शन 140 में रिमूव कर दिया है। यह बहुत ही रेयर चीज़ है और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि ऑडिटर को रिमूव करना बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, इससे पहले कि वो अपनी रिपोर्ट किसी को बोल सके। ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी तक उनको मिला ही नहीं है एज पर न्यूज़ रिपोर्ट, फिर भी उन्होंने उसको रिमूव कर दिया जो टेक्निकली सही नहीं है। ये इसलिए भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि ये तीसरा चेंज है पिछले 3 साल में, इज द थर्ड चेंज। दो लोग ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं और अब वॉकर चैंडियोक एंड कंपनी, जो कि एक बहुत अच्छा नाम है, इनको निकाला गया है और एक लोकल फर्म को अपॉइंट किया गया है। बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है दाल में कुछ काला है। इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत बड़ी है, 73% है, इसलिए अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से कंपनी को चलाते हैं, ऑडिटर्स को रिमूव करते हैं। रीजन क्या दिया है रिमूवल का कि भाई फीस बहुत बढ़ा दी थी, डिले कर रहे थे, ऑडिटर कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ऑडिटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, जल्दी ऑडिट खत्म नहीं कर रहा था, उल्टा ऑडिटर के ऊपर दोष इन्होंने मढ़ा हुआ है। गाइज इट्स अ वेरी रेयर थिंग। और जो इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने बोला है कि सेबी ने प्रोब करना चाहिए, सीए इंस्टीट्यूट ने प्रोब करना चाहिए। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब क्या एक्शन होता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें प्रोब हो और कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।